हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन बैजनाथ में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर के डिपुओं से चालक मौजूद रहे। इस मौके पर ड्राइवर यूनियन के चुनाव करवाए गए। सम्मेलन के दौरान सभी चालकों ने अपनी मांगों को लेकर निगम प्रबंधन के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी एक चालक के बेटे हैं, अतः हमें उम्मीद है कि अब चिरकाल से चली आ रही चालकों की समस्याओं का समाधान होगा। वहीं ड्राइवर यूनियन के स्टेट चेयरमैन मिलाप चंद चौधरी ने ड्राइवर यूनियन की ओर से मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि हाल ही में नंगल में हमारे साथी चालक से मारपीट की गई है, ये अक्सर होता आ रहा है। इस मौके पर सभी चालकों ने सरकार से मांग की है कि उनकी सेफ्टी के लिए मेडीपर्सन एक्ट बनाया जाए और सभी डिपुओं से, हिमाचल प्रदेश के सभी डिपुओं से कार्यकर्ता या उस त्रैमासिक बैठक में पहुंचते हैं और उसमें रणनीति बनाई जाती है कि पीछे हमारी मांगों को क्या गौर किया मैनेजमेंट ने, वो हिमाचल सरकार ने, वो आने वाले समय में हमारी क्या मांगे हैं उसके बारे में विचार करते हैं और इस रणनीति को आगे बढ़ाते हैं। ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, यस राइट पास। ड्राइवर यूनियन राइट पास, राइट पास, राइट पास। आवाज दो, एक है। आवाज दो, एक है। मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मिस मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हक मिलेगा काम करेंगे, वरना पहिया जाम करेंगे। हक मिलेगा काम करेंगे, वरना पहिया जाम करेंगे। मैं मान सिंह ठाकुर, स्टेट प्रेसिडेंट हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर्स यूनियन। कल और आज बैजनाथ क्षेत्र में हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन की त्रैमासिक बैठक, त्रैमासिक बैठक जो हर तीन महीने के बाद ड्राइवर यूनियन करती है, जो इस बार भी 19 और 20 तारीख को बैजनाथ क्षेत्र में की गई। भिन्न भिन्न डिपुओं की समस्या भी सुनी गई। उसमें हमने बैजनाथ क्षेत्र के ड्राइवर यूनियन के इलेक्शन जो है वो भी करवाए गए, क्योंकि उनकी 3 साल अवधि जो पूरी हो चुकी थी और हमने आज बैजनाथ क्षेत्र के इलेक्शन कराए। उसके बाद पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों के जो व्यूज हैं, जो उनको समस्याएं ट्रांसपोर्ट में आ रही हैं, उनको भी सुना। सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बने हैं, मैं उनको हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ड्राइवर वर्ग में एक बहुत खुशी की लहर है, क्योंकि हिमाचल का जो प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री जो बने हैं माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके पिताजी हिमाचल पथ परिवहन निगम में लोकल यूनिट में ड्राइवर थे। तो हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन को, हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन हम आज अभी उनकी शपथ ग्रहण हुआ है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री मोदी श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैं आशा करता हूं कि इस HRTC में जो 3 साल का ओवरटाइम नाइट बैलेंस है, हमारा पे कमीशन का जो 2016 से लेके एरियर बैलेंस है, हमारी 14 के जो एरियर बैलेंस है, मैं आशा करता हूँ कि वो हमारी जो ये मांगे हैं, हमारी जो ये समस्या है, उनको अच्छे से निभाएंगे। अभी तो हम ये मांग नहीं करेंगे कि वो, लेकिन जब वो बैठ जाएंगे, हमें पूरा भरोसा है कि एक ड्राइवर का बेटा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है तो वो ड्राइवर के हित की बात सोचेगा और हमारे लिए, हमारे हमारे करने का जो होगा, हम पुरजोर हिमाचल पथ परिवहन निगम की ओर से ड्राइवर जो है, खासकर ड्राइवर वर्ग जो है, वो माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी का कंधे से कंधा मिला के साथ देंगे। मैं मिलाप चंद चौधरी, स्टेट चेयरमैन ड्राइवर यूनियन। मैं आज इस त्रैमासिक बैठक में जो बैजनाथ क्षेत्र के 3 साल के बाद जो चुनाव करवाए जाते हैं, वो सभी जो है बड़ी सभी चालकों की सहमति से करवाए गए और जो पदाधिकारी के चुने गए उनको जो है इस संगठन की जिम्मेवारी सौंपी गई। और इस त्रैमासिक बैठक में
जो हमारे भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जो चालक आए थे, उन्होंने एक मुद्दे को जो है बड़ी गंभीरता से उठाया, क्योंकि पिछली बार भी हमारे एक चालक के साथ जो नंगल में मारपीट हुई थी, तो हम कई वर्षों से सरकार से मांग उठा रहे हैं कि एक चालकों की सेफ्टी के लिए जो है एक मेडी पर्सन एक्ट की मांग जो उठाई जा रही है। अभी नव नियुक्त सरकार चुनी गई है, जैसे सरकार से हमारी वार्ता होगी, हम इस मांग को जो है प्रमुखता से उठाएंगे। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बैजनाथ से चमन डोरू की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1,00,000 का नकद इनाम, LED, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें, या फिर हमें कॉल करें 01892264713 पर।